लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने लास्ट टाइम उसके फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जब भी निकलती है बहुत ज्यादा शोर क्रिएट करती है, बट टुडेज डे इज हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने जैसे कि पहले ही बोला था, थोड़ा सा डेली ब्लॉग के फॉर्मेट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको डे टू डे लाइफ दिखा रहे हैं। आज मैं एक्चुअली रनिंग के लिए आया हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। दिस इज अ ब्यूटीफुल न्यू नेबरहुड जहाँ पे कि हमने अभी अभी अपना नया घर लिया है। के तौर तरीके पे थोड़ी सी रनिंग कर ली थी। रनिंग करने के बाद अब थोड़े से वेट्स उठाने भी स्टार्ट किए हैं, हल्का सा चेस्ट मार रहे हैं, बैक इश्यू भी है, बट हल्के रिजॉल्व। वर्किंग डेज के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि समझ नहीं आता है क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम ही नहीं है, लंच बनाने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी एंड अप ईटिंग दिस, आई मीन दिस फॉर लंच। कुछ ही ऑर्डर लेंगे तो आज हम वॉलमार्ट जा रहे हैं। ये सीरियल बोल है, इसको बनाने की टेक्निक और ट्रिक ये है कि आप इसमें डालिए मिल्क, मैंने इसमें डाला मिल्क, होल मिल्क, और ये चीरियो जो डाले हैं वो होल रोल्ड ओट्स होते हैं जिसमें की कोई शुगर नहीं होती। सो इट्स अ गुड काइंड ऑफ कार्ब है। ये डाला, फिर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले और चॉकलेट फ्लेवर्ड वे प्रोटीन डाला एक स्कूप, तो उससे स्वीट भी हो गया विदाउट एनी स्वीटनर, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड फूड। एंड लुक हूज हियर, व्हाट आर यू मेकिंग? व्हाई आई एम मेकिंग कोल्ड सीरियल। Nobody eats cold cereals, Mari. Honestly, you're the first person I've ever met that eats hot cereal. That is just insane. Now you tell me, how do you eat cornflakes and Cheerios and whatever? We gotta heat the milk and then we eat it. I mean, you are a weird person, Mari. No kidding. You're eating it wrong. Hey, Mari, did you put like dry fruits in it? No. It tastes really good with dry fruits. Good. Am I driving, Mari? I have a license now. You can't let me drive. A license to crash. It's not a license to crash. It's license to drive. Then trust me. You gotta trust me. I do not trust your driving. Oh my god. Ladies and gents, शाम का टाइम हो जाएगा और शाम का टाइम से मैंने बताया अराउंड 5 के अराउंड बज गए हैं। जैसे 5 के अराउंड बजे हम थोड़े से पागल हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। वही हम करने बैठ गए। Somebody is in your dick. What was that sound? I'm gonna stop. Let me check. Sure. What the fuck? You have a person sitting in your back? Look like, I don't know. No. That was weird. You're weird. अभी सीन ये है कि हम जा रहे हैं एक डेस्क उठाने, जो कि यूज्ड डेस्क है बेसिकली, बोलते हैं नाम की जगह, थोड़ी सी दूर है यहाँ पे, 20 मिनट की ड्राइव है। फटाफट जाएंगे वो डेस्क उठा के लाएंगे और सेटअप करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा था जैसे कि मॉन्टी जुगाड़ तोगाड़ से एक डेस्क बना के बैठी हुई है वहाँ पे, तो जब भी वो आएगी तो उसको पढ़ने को थोड़ी सी जगह चाहिए। सो वी आर गेटिंग अ डेस्क फॉर मॉन्टी। That's the house, right? I think so. I didn't hear what she said though. I think we can get out. Let's get it. I think this will fit. I think this will fit. This looks perfect. I'm just gonna throw up. I think it's a beautiful table, Mari. Thank you. Good job though. It's a steal, you know? It's a steal. It's a good deal, yeah. You want to proceed on this one? If you like it this way, then just keep it. If you like the rug, I like it. Just keep it. Do you? I don't know what is that. That is. It might be just some old. It's dog poop. Stop filming. Hey, Marty. Here's a slice. What's wrong? An ant? You told me to get like a small slice. Is this a small slice? That's one bite. That's good enough for you, alright? So one chicken tikka masala, one dal tadka, two rotis. Two rotis. Starter. Sounds good. Starter. Make it starter. Right. Ladies and gentlemen, अब हम आ गए हैं टारगेट। एक्चुअली मास्क पहनना पड़ेगा। या हमने कुछ ऐसा कि हमने आना की गाड़ी उठाई और हम टारगेट आ गए। टारगेट बेसिकली एक बड़ा सा स्टोर है जहाँ से कि हम उठाने वाले हैं कुछ लाइट्स
और घर का थोड़ा जनरल सा सामान। पहले किस सेक्शन में चलना है? Yeah, let's get lights first actually. उसके बाद में जो है एक एक वैसे मैंने लिस्ट बनाई है, उसमें चार ही आइटम है, बट देख लेंगे और भी जो मिलता रहेगा। भाई हैलोवीन का सामान लगने लगा यार, हैलोवीन इज सो कूल, हैलोवीन बड़ा पसंद है भाई मेरे को। प्राइस तो सेम है लेकिन वाला ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। प्राइस में कितना डिफरेंस है? प्राइस ही गायब है। इसके अंदर भाई 90 लाइट्स है, मजाक थोड़ी है। कितना वेट है? पूरा पेड़ जगमग जाएगा यार। रूम में लगानी है? रूम में नहीं, पेड़ पे लगानी है बोलो तो। सच्ची में पेड़ में लगाना मिलता है क्या ये वाला? भाई रिमोट कंट्रोल्ड है क्या? देसी बच्चे तो पागल ही हो जाए। मैं पागल हो गया भाई। भाई कैंडीज का सेक्शन देख रहा है क्या? भर गया। हैलोवीन, हैलोवीन के इस टाइम का और इस त्योहार का जैसा कि बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा जोरों शोरों से तैयारियां चालू हैं कि यहाँ पे पम्पकिन फ्लेवर की बियर भी आ गई है। सारी चीज़ें पम्पकिन फ्लेवर में कन्वर्ट हो जाती हैं हल्के हल्के, और हर घर के आगे पम्पकिन, स्केरी पम्पकिन जो है लगा देते हैं लोग, वो थोड़ा सा कल्चर है। बट हद तो यहाँ पे हो गई है कि पम्पकिन फ्लेवर बियर। भाई कहीं आम दिखे क्या? आम, आम सबसे बड़ा दुख है, ये पूरी गर्मी में निकल गए, एक आम नहीं खाया है। एलर्जी का किस्सा था उसका भी यहाँ पे काइंड ऑफ कंक्लूजन मिल गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर ने बोला कि भाई डेली का डेली एक टैबलेट खाते रहो एलर्जी रिलीफ की, जब तक कि ठीक ना लगे। बेसिकली हिस्टामाइन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, जो कि मेरी बॉडी में बढ़ गए ड्यू टू समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या है वो अभी भी पता लगाना है। Are you ready to eat, Mani? Yeah. Let's eat, man. We are so so hungry. सामान की पूरी खरीदारी हमने कंप्लीट कर दी और मैंने कि बेसिकली एक पेंट, हाँ दूध में रखता हूँ फ्रिज में, पेंटिंग के लिए। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मेरे पास एक पेंटिंग है काफी पुरानी जो मुझे फ्रेम करनी थी। यहाँ पे फ्रेम कराने के बहुत ज्यादा रुपए जाते हैं, सुपर सुपर एक्सपेंसिव, अगर आपको कस्टम फ्रेमिंग करानी है। तो मैंने एक फ्रेम उठा लिया, अब चेक करना पड़ेगा कि इसमें फिट होगी भी कि नहीं, उस चीज का डाउट है। मैंने डायमेंशन लिए नहीं और बस उठा लिया फ्रेम। That's fine. Look at this beautiful painting. I just need to frame it. I didn't buy it. Somebody gifted me. This is my beautiful painting which I'm trying to frame. What do you think about this painting, Moni? Oh, wow. Isn't That's it? Beautiful. I like the beadwork too. Right? Thanks for waiting for us, Hannah. No problem. I guess. No, you did wait. Thank you. I've been waiting for hours. No, you did. Thank you so much, Moni. What were we eating today, though? Some chicken tikka masala and some chutney. That is cool. I think this is a dal. That's a dal, yeah. Mm-hmm. Did you see the lights I got? Let me see. It's like five different. Wow. Lamp setup is almost done. Last one lagana reh gaya, wo bhi laga lete hain. Let's see how it looks right now. Smart, are you ready? It seems like I got a little big. It's like a little too much, but we'll get to know. Moment of truth. Ta-da! What? That's not working. What? The bio is not working. The half of them are broken. What the f***? Why did you get that right about both? You wanted so much light in this room, right? I think this is gonna work, Mori. This is what I always wanted, you know? If you need it, maybe I can have them point upwards. See? Better? See? Right? You didn't need more lamps in your room. This is more than enough for the wall. Right, ये अब हमने ला के लगा दिया लैम्प को यहाँ पे, एंड होपफुली इस रूम में काफी लाइट हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा रहता है, सामने पेड़ है उसकी वजह से। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस। पीछे देख सकते हैं डब्बों में भी सामान पड़ा है, सारा सामान ऐसे ही पड़ा है एक्चुअली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे पूरे वीक इसको करने का। बट अब हल्के हल्के करेंगे, आज से हम लग गए हैं हल्के हल्के सेटअप करने पे। बट होपफुली दिस रूम विल बी सेट बाय एंड ऑफ दिस वीक, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थोड़ा शॉर्ट एंड डेली ब्लॉग के फॉर्मेट पे आ रहे हैं, व्हिच आई फील इज अ लॉट बेटर। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। दिस इज माय कंक्लूजन, ओवर।